पच्चीस दिनों से साथ में सम्मानी दादा एक नारायण सिंह जी और उनके साथ में इस आंदोलन में भाग लेकर के अंतिम चरण तक पहुंचाने वाले सभी आरटीओ के सभी सलाहकार साथीगण और हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की प्रत्याशी रही मलिगमा सीट से बहन बबीता साकेत जी, बहन उषा पटेल जी एडवोकेट, बहन मंजुलता पटेल जी एडवोकेट, भैया पुष्पेन्द्र सिंह जी और सभी यहाँ पर उपस्थित साथी हैं। लंबे समय से ये आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया, 25वां दिन है और मुझे लगता है कि अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। अभी जैसा कि दीप नारायण सिंह जी कह रहे थे कि यदि कोई धरने पर बैठता है, आंदोलन करता है, तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई कारण होता है। कोई यूनि इस ठंड के सीजन में बाहर रहना, धूप में रहना भी मुश्किल होता है और यदि ऐसे समय में रात दिन यहाँ खुले आसमान के नीचे रहने के लिए यदि मजबूर है हमारे ये परिवहन सलाहकार के साथी, तो निश्चित रूप से इनके मन में बहुत बड़ी पीड़ा और बैठे हैं और नहीं तो कोई यही आदि आराम से यहाँ पर नहीं बैठता। मेरा ये मानना है कि अभी तक ये बात ऊपर तक नहीं पहुंची होगी। जैसा कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में है और माननीय कमलनाथ जी जिनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि गरीबों के साथ में किसी को भी अन्याय करने का अधिकार उन्होंने नहीं दिया, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, लेकिन वो किसी के साथ अन्याय करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। हमारे मनीष त्रिपाठी जी से कहना चाहेंगे, आप अधिकारी हैं, आपको जो जिम्मेदारी मिली है नियमानुसार आप उसका निर्वहन करें, लेकिन यदि नियम से हट करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा, क्योंकि आज की तारीख में पढ़े लिखे नौजवान है, यदि यहाँ पर परिवहन सलाहकार का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ जानते नहीं है। इनको सब पता है, नियम और कानून पता है और यदि नियम कानून से हट करके कोई काम होगा तो निश्चित रूप से उससे कोई बच नहीं पाएगा, चाहे जितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं, क्योंकि विधायक तो है नहीं, कोई ऐसे उच्च पद पर है नहीं, लेकिन इतना जरूर आपको भरोसा देते हैं, एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते कि आपकी बात को हम अपनी सरकार तक ऊपर तक निश्चित रूप से पहुँचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। केवल इतना कहना चाहेंगे कि आप शासन के अधीन हो, आप शासन से ऊपर नहीं हो सकते और शासन की जो मंशा है उसी के हिसाब से आपको काम करना होगा। आप अधिकारी हो, आप शासन के नीचे के कर्मचारी हो, आपको जो दिशा निर्देश शासन ने तय किया है उसी के हिसाब से काम करो। हम नहीं चाहते आप यहाँ से दूसरी जगह जाओगे, तीसरी जगह जाओगे, हमारा मतलब ये नहीं है कि ये किनका ट्रांसफर है, हमारा मतलब ये है कि इनका सुधार है। क्योंकि मान लीजिए आपके यहाँ से चले भी गए, जहाँ जाएंगे वहाँ के लोगों को परेशान करेंगे, यहाँ भी तो हमारे लोग हैं, अपने बीच के लोग हैं, तो हम
बच्ची को इस बारे में जानकारी होगी तो उनका ऐसे लोगों से कोई संरक्षण नहीं है जो जनता के हित के लिए काम ना करे। इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोगों को अभी निकलना है। अभी हमारे दादाजी ने बहुत कुछ मंशा जाहिर की है, हम लोगों की अपेक्षा की है। अभी तो हमारे भाई लोग सक्षम है इस आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए, और जब आप सक्षम हो जाएंगे तो हम लोग तैयार हो जाएंगे आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन मुझे भरोसा है कि अभी आप लोग पर्याप्त सक्षम है। हम लोगों का पूरा पूरा आपके साथ में, इस आंदोलन के साथ में पूरा साथ है, और जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद। और अपने भाई विमल से मैं कहना चाहूंगी, जीवन बड़ा अमूल्य होता है और बड़े मुश्किल से मिलता है। हमारा केवल इससे हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही है। यहाँ तो हम केवल जनता को सुविधा हो, जनता को असुविधा ना हो, इसके लिए आप लोग बैठे हैं। कोई इनके कारण रोटी नहीं चल रही है। जीवन मिला है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, यहाँ नहीं तो कोई और। जब आदमी सक्षम है तो कहीं ना कहीं कोई काम अपने रोजी रोटी के लिए कर सकता है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसके लिए इतनी गुमई कुर्बानी देने की आवश्यकता नहीं है। हम क्यों पीछे जाए, हम क्यों अपने को मौत के गले लगाए। हम ऐसा प्रयास करें कि यहाँ का जो आरटीओ है वो अपनी जान बचा करके भागता फिरे, ऐसा हमारा प्रयास हो। इसलिए हम आपसे भी निवेदन करेंगे, हमारी लड़ाई यूँ जारी रहेगी। इसके लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी देने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। Yeah, well, I got it.